नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। फखर जमान पाकिस्तान के धुरंधर बल्लेबाज, सिर्फ बड़े स्कोर ही बनाते हैं, इन दिनों गजब फॉर्म में चल रहे हैं और अपनी बल्लेबाजी से लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपना दूसरा दोहरा शतक जड़ने से चूक गए थे और अगले ही मैच में फिर उन्होंने शतक जड़कर टीम को जीत दिला दी थी। फखर जमान का बेस्ट फॉर्म चल रहा है, ये उनके करियर का सबसे सुनहरा दौर है, इसलिए तो T20 में भी इस प्रदर्शन के बाद उन्हें शामिल कर लिया गया था। चौथे T20 मैच में इस बल्लेबाज ने दम दिखाया, गजब की बल्लेबाजी की और मैदान पर खूब तोड़फोड़ मचाया, गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। फखर जमान ने 34 गेंदों का सामना करते हुए 60 रनों की पारी खेली। इस दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 5 चौके और 4 छक्के भी लगाए। फखर जमान लगभग में टीम के लिए मैच फिनिश करने ही वाले थे। जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि शतक जड़कर ही मानेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। फखर जमान 60 रन बनाकर आउट हुए, हालांकि तब तक वो अपना काम कर चुके थे। फखर जमान ने साथी बल्लेबाज बाबर आजम के साथ दूसरे विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की और टीम को जीत के करीब लेकर गए। आपको बता दें, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। पाकिस्तान 3 मैच में 2 मैच जीतकर पहले ही हार को टाल दिया है। अगर आखिरी मुकाबला भी जीत लेंगे तो टीम सीरीज घर लेकर जाएगी, वरना दोनों टीमें ट्रॉफी शेयर करेंगी। चौथे मैच में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए और 144 रनों पर टीम ऑल आउट हो गई। इसके बाद पाक के गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। हसन अली और फहीम अशरफ ने 3-3 विकेट निकाले। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।